जय टुंगनाथ। भारत वर्ष में सबसे ऊंचाई का शिवालय है, ओके, 12,500 फीट इसकी ऊंचाई है समुद्र सतह से, 12,500, हाँ अच्छा, इसीलिए यहाँ का नाम तुंगनाथ। और सो हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने इस चर्चा वाले चैनल में। वेलकम टू न्यू डे एंड न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग बड़ा ही स्पेशल है क्योंकि आज हम जाने वाले एक ऐसी जगह जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंचा मंदिर इसी जगह पे बना हुआ है, और ये लॉर्ड शिवा का टेम्पल है जो कि वर्ल्ड हाईएस्ट टेम्पल है। आइए शुरू करते हैं हमारी जर्नी, और यहाँ पर है ट्रैक, चलिए आपको दिखा देता हूँ। चलो ऊपर से आता हूँ मैं, चलो बाय। और ये है 4 किलोमीटर का ट्रैक यहाँ से, लेकिन काफ़ी ऊंचाई वाला है। और ये देखिए, जय बाबा, ये इस जगह पे टुंगनाथ टेम्पल के बारे में लिखा हुआ है। और बात करते हैं टुंगनाथ मंदिर के बारे में, तो लगभग ये 3,680 मीटर के ऊंचाई पे स्थित है, और इसे कहा जाता है दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर। वैसे तो यह मंदिर 5,000 वर्ष पुराना है, और यह स्वयं पांडवों द्वारा निर्मित किया गया था। तो अब हमको करना पड़ेगा इस मंदिर के लिए ट्रैक, चलो फिर शुरू करते आगे की चर्चा। हमें जो ये पूरा माउंटेन्स है इसे क्रॉस करके ऊपर जाना है, चलो फिर चलते हैं। तो ये जो टुंगनाथ का ट्रैक है ना, इजी ट्रैक नहीं है, एकदम ऐसे स्ट्रेट है, तो चढ़ने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और ये तो बस शुरुआत ही हुई है, मैंने तो 100 मीटर भी मुश्किल से क्रॉस किया अभी तो, और 4 किलोमीटर जाना है, तो देखते कितने बजे तक पहुँचता हूँ। हर हर महादेव। कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा, लेकिन धीरे धीरे चढ़ना चाहिए ऊपर। हाँ जितने छोटे कदम रखेंगे कम थकेंगे। सही बात है, चलो फिर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। धीरे धीरे चलते ऊपर चढ़ते, जय टुंगनाथ। जय टुंगनाथ। ओम नमः शिवाय। ऊपर भी है बेटा एक चंद्रशिला। हाँ अभी एक बार टुंगनाथ पहुंचे आगे का तो फिर उधर ही पता लग जाएगा। अरे सब शक्ति देंगे वो। क्या भाई क्या नाम है आपका? सचिन। सचिन भाई मुंबई से है, तो मुंबई मिल गया तो एक अलग ही वाइब आती है, और इधर का व्यू इतना अच्छा है कि देखने में बहुत मजा आ रहा है। और टू बी ऑनेस्ट कैमरा में उतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है जितना रियल आई व्यू दिख रहा है, क्योंकि ऊपर जो है पूरे स्नो वाले माउंटेन दिख रहे, उसके बाद पहाड़ी पहाड़ है। और ये कितना किलोमीटर चल रही है? तो भी 22 किलोमीटर से ऊपर चल गए, 2.5 किलोमीटर का ट्रैक कर लिया 1 घंटे में। सो ऐसा लग रहा, चलो अच्छी स्पीड है, यानी बुरे स्पीड से नहीं चढ़ रहे ना। आई थिंक केदारनाथ में भी ऐसा व्यू नहीं देखने नहीं मिल रहा था, बहुत अच्छा व्यू है इधर का, बहुत अच्छा। चलो अब ऊपर चलते हैं टुंगनाथ बाबा के पास, चलो शुरू करते हैं। इस टाइप बस 1 किलोमीटर है अब, और बट वो एकदम ऐसा स्ट्रेट और इंक्लाइन है, चलते धीरे धीरे चलेंगे बट पहुंच जाएंगे। ये देखिए, चलो बस और 1/2 किलोमीटर बचे, बट दिस इज टफ, बहुत ही टफ है। तुम जरूर आना, हमको बताना कैसा लगा हमको। यहाँ आकर ही एक्सपीरियंस पता लगेगा, वीडियो में पता नहीं लग सकता इस जगह। फिर बोलो कैसा लगा? कुछ दूरी बची है, 10 से 15 मिनट का वॉक बचा हुआ है, पहुंच जाएंगे हम, चलो। और अभी हम जन्नत में आ गए, जन्नत ऐसे लगने लगा कि बाबा ने बुलाया और हम आ गए। सही बात है। और टुंगनाथ ट्रैक की विशेषता यह है कि इसे जो है मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता। जब मैं इस जगह पे ट्रैक कर रहा हूँ, और जिस हिसाब से मुझे इस जगह से माउंटेन्स के व्यू दिख रहे, जो मेरे सामने पहाड़ मौजूद है उनका व्यू दिख रहा है, तो ये अपने आप में ना अनएक्सपेक्टेड व्यू है कि मैंने भी नहीं सोचा था कि कुछ इस तरीके के नज़ारे मुझे देखने मिलेंगे। और अभी तो जो है
वो तो अक्टूबर का टाइम चालू है। अगर आप इसी जगह पे कंसीडर कर दिए कि जब स्नोफॉल होना चालू हो जाएंगे नवंबर के एंड में और दिसंबर के शुरुआत में, तो ये जितना भी ग्रीन लश माउंटेन्स आपको दिख रहे हैं ये पूरे स्नो में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब आप ही सोचिए कि कितनी खास दिखेंगी ये सफ़ेद चादर से लिपटी हुई पहाड़ों की वादियाँ। इसलिए इसे कहते हैं मिनी स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। बस वो देखिए वो रहा बाबा का द्वार, इस जगह पे पहुंच चुके, खुशी मिल रही है इससे। ये रहा टुंगनाथ टेंपल ऊपर, विजय असो। जैसे मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो, फाइनली इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद पहुंच चुके हैं टुंगनाथ मंदिर की तरफ। एंड बैक साइड्स का जो व्यू है शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता इन चीज़ों को। चलो अब ऊपर चलते, जय टुंगनाथ बाबा की जय हो। देखिए इस जगह पे पहुंच के अलग ही खुशी मिल रही है। आ चुके, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा व्यू। और ये जो पीछे है ये हाय, ये बाबा हाय हाय महादेव, हर हर महादेव। सबको लगता था केदारनाथ सबसे ऊंचा है, लेकिन ये है टुंगनाथ मंदिर। ये मंदिर के बारे में जरा आप थोड़ा बता दीजिए कि ये टुंगनाथ नाम का मतलब क्या है? टुंगनाथ का मतलब जो है शिखर से है। अच्छा, ऊंचाई से ना? हाँ। ये भारतवर्ष में सबसे ऊंचाई का शिवालय है। ओके। 12,500 फीट इसकी ऊंचाई है समुद्र सतह से। 12,500? हाँ। अच्छा, इसीलिए यहाँ का नाम टुंगनाथ। और जो अंदर है वो किस? यहाँ पे भगवान शिव के हृदय और भुजा के स्वरूप में दर्शन है, इसी स्वरूप में इन्होंने पांडवों को दर्शन दिए। तो जो केदारनाथ में था वो केदारनाथ में पीठ भाग है, पीठ भाग, और इधर हृदय भाग, हृदय और भुजा है। द्वितीय केदार मधमेश्वर में नाभि है। अच्छा। तृतीय केदार तुंगनाथ जी में हृदय और भुजा है। अच्छा। चतुर्थ केदार रुद्रनाथ में मुख है। अच्छा। पांचवें केदार कल्पेश्वर में जटा है। अच्छा, ऐसे पूरे पांच अलग 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 पर ये है अंग के स्वरूप, लेकिन ये सबसे ऊंचा है, ये सबसे हाइट में है। 6 में नहीं बंद रहते हैं बद्री केदार की तरह, तो जब केदारनाथ जी बंद हो जाएंगे तब ये भी बंद हो जाएंगे। हाँ, ये भी 2-4 दिन आगे पीछे। हाँ, लेकिन तब बंद हो जाते हैं। 6 महीने बंद रहते हैं और 6 महीने खुला रहते हैं। अच्छा, बाद में 6 महीने ही चालू रहेंगे। मेरा नाम विजय भारत मेठाणी। विजय भारत, तो इस जगह पे रहा टुंगनाथ मंदिर। और अगर आप यहाँ से ऊपर जाते हो और जहाँ पर आपको वो फॉग दिख रहा है वो है चंद्रशिला ट्रैक, तो अगर आपको करना है तो यहाँ से 2 किलोमीटर, मेरी हिम्मत नहीं है तो मैंने बस यहाँ तक के आया, ये व्यू नज़ारे एंजॉय कर लिए, बस मज़ा आ गए, सारे मज़े इसी के हैं। जय बाबा टुंगनाथ की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। तो इस तरीके से हम टुंगनाथ बाबा जी के पास पहुँचे, और यहाँ आने का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था, थोड़ा कठिन था, लेकिन जब कठिन परिस्थितियों में ही आप अपने आप को डालोगे तभी इस तरीके के दर्शन होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, और चर्चा में रहिए।